लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अंबाला लोकसभा की तैयारियों के हेतु आज अंबाला कैंट के अंदर रखी गई थी और इस बैठक में इस लोकसभा के सभी विधायक, मंत्री, जिला अध्यक्ष और हमारे लोकसभा के प्रभारी जगदीश चोपड़ा जी, सह संयोजक जो हमारे आदरणीय गणेश जी, बैठक थी आगामी रणनीति के लिए, आगामी जो योजना है कि कौन कौन सा काम किस कार्यकर्ता के जिम्मे लगाया जाए और जो हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन होने जा रहे हैं उन पन्ना प्रमुख सम्मेलनों की लेटेस्ट जानकारी लेकर के उनकी तिथियां हम परसों से ये शुरू होने जा रहे हैं, 8 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं, 8 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक पूरी लोकसभा के अंदर हर विधानसभा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन होंगे, इस प्रकार की रचना हमने की है। और मैं समझता हूँ कि जो कैंडिडेट चाहे कोई भी आए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और हम हर दिशा को लेकर, हर चीज़ को देखते हुए, हमने हर पहलू पर विचार करते हुए आज कुछ निर्णय किए हैं जो हमने लोगों को तय किया है, कार्यकर्ताओं का, और हम ये लोकसभा सीट भारी बहुमत से जीतेंगे, कैंडिडेट चाहे कोई भी आए। तो देखिए, जब तक ये जो कैंडिडेट है उसका निर्णय केंद्रीय जो हाई कमांड है वो करता है, उसमें किसका होगा किसका नहीं होगा, लेकिन अभी तो सब गर्व की बात है और उसमें किसी का भी हो सकता है, कटारिया जी का भी हो सकता है, मैं समझता हूँ, लेकिन ये सारा केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, चुनाव संचालन समिति के प्रमुख लोग आज बुलाए गए थे, जो हमारे लोकसभा के प्रभारी और सह प्रभारी आए थे। लोकसभा की व्यवस्थाओं को बैठ करके चर्चा की गई है, कुछ कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियां दी गई हैं। जो वातावरण आज नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में बना हुआ है कि एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को जाए, आज देश की जनता, प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी को वोट देना चाह रही है और बहुत प्रचंड बहुमत से हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत करके वो नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाएंगे। कांग्रेस और सभी दलों का सुपड़ा साफ हरियाणा प्रदेश की जनता करने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया, आज जो उन्होंने घोषणा पत्र भी जारी किया वो भी देश की सुरक्षा के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने वाला उनका घोषणा पत्र है, झूठ का पुलिंदा है। और इस प्रकार का उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया जिससे कि हमारी देश की सुरक्षा भी कहीं ना कहीं वो खतरे में, इस प्रकार का उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है। है कि हमारे जो लोकसभा के प्रभारी हैं चोपड़ा जी और सह प्रभारी ज्ञानचंद जी गुप्ता और हमारे सह प्रभारी, तीनों के तीनों लोग, उनके अध्यक्षता के अंदर बैठक हुई और आने वाले जो 12 मई को चुनाव है, 12 मई के चुनाव को लेकर के वो सारी की सारी ड्यूटियां लगाई गई हैं और कार्यकर्ताओं को नीचे तक वो जिम्मेवारी मिले, ताकि जो आज लोग नरेंद्र मोदी जी को वोट देना चाह रहे हैं उनकी नीतियों के और मनोहर लाल जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाना चाह रहे हैं, उसके अंदर कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। नहीं देखिए, पार्टी के अंदर किसी प्रकार का संशय नहीं होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है और आज तो हम कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं। जो भी प्रत्याशी कमल का फूल लेकर के आएगा उसके पीछे एकजुट, एक मुश्त, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भारी बहुमत से वो प्रत्याशी जीत करके नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगा। लोकसभा के चुनावों को निमित्त एक पूरी लोकसभा की चुनाव प्रबंधन और संचालन समिति की बैठक आज अंबाला छावनी भाजपा कार्यालय में की गई है और एक ही लक्ष्य है कि किस प्रकार से हम अंबाला की जो लोकसभा सीट है उसको जीतें, भारतीय जनता पार्टी के खाते में लें और इन सब विषयों के ऊपर जिम्मेवारियां जो हैं कार्यकर्ताओं को बांटने के ऊपर विचार विमर्श हुआ है। कौन कौन लोग मौजूद हैं? देखिए, इस मीटिंग के अंदर सारे प्रमुख जो 9 के 9 विधायक सब वो बुलाए गए थे, सारे जिलाध्यक्ष बुलाए गए थे और ऐसे 15-20 लोग ही यहाँ मीटिंग में बुलाए गए थे और वो सब लोग यहाँ उपस्थित हैं।